द ओवरकोट बाय रस्किन बॉन्ड। जाड़ों की सर्द रात थी और चांद हिमालय की चोटियों के ऊपर निकल आया था। उस हिल स्टेशन की सड़कों पर बर्फ के कुछ निशान अब भी देखे जा सकते थे। बेहतर तो यह होता कि इस वक्त मैं बिस्तर पर ही रहता, हाथ में कोई किताब होती और साथ में गर्म पानी की बॉटल। लेकिन कपाड़िया परिवार को दिए वायदे के मुताबिक उनकी पार्टी में शिरकत करना जरूरी था, तो मैंने दो गर्म स्वेटर पहनी, एक स्कार्फ और ऊपर से डाला ओवरकोट और चल दिया। सड़क चांदनी से रोशन थी। कपाड़िया का घर एक मील दूर था और मैं करीब आधा रास्ता तय कर चुका था। तभी मैंने देखा एक लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी है। 16-17 साल की होगी, कमर तक लंबे बाल, चमकीली गुलाबी ड्रेस और लेवेंडर की महक, कुछ ओल्ड फैशन सी थी। थोड़ा पास जाकर देखा, सुंदर सी आंखें थी और प्यारी सी मुस्कान। गुड इवनिंग। बहुत ज्यादा ठंड है आज। हाँ, क्या आप पार्टी में जा रहे हैं? जी हाँ। आपकी सजधज देखकर लगता है शायद आप भी वहीं जा रही हैं। आइए साथ में चलें, नजदीक ही है यहां से। वो मेरे साथ चलने लगी। क्या नाम है आपका? जूली। ओके, आई एम रस्किन बॉन्ड। पहले कभी देखा नहीं आपको यहाँ। खैर, मुझे भी यहाँ आए कुछ ही महीने हुए हैं अभी। जल्द ही देवदार के झुरमुट से चमकता हुआ कपाड़िया का घर दिखाई दिया। पार्टी में अच्छी खासी भीड़ थी। ऐसा लगता था जूली को वहां कोई नहीं जानता था। शायद सब उसे मेरी ही दोस्त समझ रहे थे। मैंने भी इनकार नहीं किया। जाहिर है वो लोनली फील कर रही थी और पार्टी में घुल मिल कर ही रहना चाहती थी। जूली खूब इंजॉय कर रही थी। ज्यादा कुछ खाते पीते तो उसे देखा नहीं, पर लगातार वो अलग अलग लोगों से बात करती और उनके साथ हंसती मुस्कुराती नजर आई। और जैसे ही म्यूजिक बजा, उसने नाचना शुरू कर दिया ताबड़तोड़। कभी किसी पार्टनर के साथ, नहीं तो अकेले ही। म्यूजिक में डूबी जूली जी भर कर नाची। लगभग आधी रात हो चुकी थी और मैं जाने के लिए उठा। ठीक ठाक पी चुका था और बस सोना चाहता था। और जब मैं सबको मैरी क्रिसमस और अलविदा कह रहा था, जूली ने चुपके से मेरी बाहों में बांह डाल दी। मैं भी साथ चलूं? हम बाहर आ गए। तुम कहाँ रहती हो जूली? वुल्सबर्न में, वहां उस पहाड़ी की चोटी पर। बहुत ठंडी हवा है। तुम्हारी ड्रेस अच्छी है लेकिन लगता है कि उतनी गर्म नहीं है। ऐसा करो, मेरा ओवरकोट डाल लो, मैंने काफी कुछ पहना हुआ है। और मैंने ओवरकोट उसके कंधों पर डाल दिया। फिर हम चलते हुए उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर मिले थे। उसने कहा, यहां से एक शॉर्टकट है, मैं यहीं से चली जाऊंगी। आर यू श्योर? अच्छी तरह से जानती हूं ना, बहुत संकरा रास्ता है। ओह हाँ, इस रास्ते के हर पत्थर तक को पहचानती हूँ, रोज जाती हूँ इस रास्ते से। और वैसे भी देखो ना, कैसी चांदनी रात है। तो ठीक है, लेकिन ओवरकोट पहने रहो, मैं कल ले लूंगा। वो हिचकिचाई, मुस्कुराई, सहमति जताई और फिर उसी पहाड़ी रास्ते से चल दी और मैं भी अपने रास्ते चल दिया।
अगले दिन मैं घूमते घूमते वुल्सबर्न जा पहुंचा। लोहे का गेट खुला हुआ था। अंदर घुसा तो उस घर को देखा। घर क्या था, खंडहर था। कुछ खंभे, कुछ पत्थरों के ढेर, टूटी हुई पुरानी चिमनी। क्या जोली ने मजाक किया है मेरे साथ, या फिर मैं गलत घर में आ गया हूं। आसपास घूमा तो एक मिशन हाउस दिखाई दिया जिसमें टेलर परिवार रहता था। वहां ओल्ड मिसेस टेलर से पूछा, क्या किसी जूली को जानती हैं? नहीं तो कहां रहती है? वुल्सबर्न में, यही बताया था, लेकिन वो तो एक खंडहर है। वुल्सबर्न में तो पिछले 40 सालों से कोई नहीं रहता। मैकिनन परिवार रहता था वहां, पर जब उनकी लड़की मरी तब। एक मिनट, शायद उसका नाम जूली था। फिर उन लोगों ने वो घर छोड़ दिया और यहां से चले गए। तब से कोई नहीं रहता वहां। उधर सड़क के नीचे जूली की कब्र है। देवदार के पेड़ों के बीच में वो छोटी सी कब्रगाह थी। वहीं थी एक कब्र जिस पर रखे पत्थर पर लिखा था, जूली मैकिनन 1923 to 1939 विद अस वन मोमेंट टेकन द नेक्स्ट गॉन टू हर मेकर गॉन टू हर रेस्ट। जैसे ही मैं मुड़ा तो मेरी नजर पड़ी उस पत्थर के पीछे रखी किसी जानी पहचानी चीज पर। वहां अच्छी तरह से तय किया हुआ मेरा ओवरकोट रखा था।